कोरिया जिला के पिछड़े इलाकों में से एक सोनहत ब्लॉक में इन दिनों बस मालिकों की मनमानी से यात्री और व्यापारी दोनों परेशान हैं, क्योंकि लाखों रुपए खर्च कर यहां बस स्टैंड तो बना दी गई है पर कोई बस रुकता ही नहीं है। बस स्टैंड वीरान पड़ा रहता है। दरअसल लाखों रुपए खर्च कर शासन ने यहां बस स्टैंड बना दिया है। व्यापारी दुकान भी लगाए हैं किंतु कोई बस आकर रुकती नहीं है, जिस कारण से व्यापारी मायूस रहते हैं। वहीं लोगों का कहना है यात्रियों को बस स्टैंड न लाकर इधर उधर कहीं भी बस चालकों द्वारा उतार दी जाती है। ऐसे में यहां बनाया गया बस स्टैंड खाली 100 पीस बनकर रह गया है। वहीं बस स्टैंड में बस नहीं रुकने से वहां लगे दुकानदार भी परेशान है, क्योंकि दुकान तो लगाया गया है किंतु ग्राहक ही नहीं आएंगे तो दुकान लगाने का क्या मतलब रह जाएगा। इस मामले को जिम्मेदार विभाग भी जानती है किंतु कभी भी यात्री बसों को बस स्टैंड में रोकने के लिए कोई आदेश ही जारी नहीं करता। ऐसे में लाखों में बना यह बस स्टैंड बिना उपयोगिता के ही वीरान पड़ा है और खस्ता हाल स्थिति में बदलता जा रहा है। सोनहत का बस स्टेशन लाखों की लागत में बनाया गया है और पिछले कई महीनों से बस ऐसे बंजर खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे हर तरफ गंदगी ही गंदगी है, पूरा बंजर खाली रहता है। यहाँ पे कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई महीनों से इधर इस तरीके से गंदगी की हुई है। दुकानें बस खुली हुई हैं ऐसे और ग्राहक कभी नहीं आ पाते हैं, एकदम दिक्कत है ऐसा। बसें आती हैं, बस स्टैंड में घुसती ही नहीं है, इधर से आती हैं, रोड से डायरेक्ट निकल जाती हैं। ये सारे दुकान यहाँ पर बंद, सब कुछ बंद। कितने दिनों से ये बस स्टैंड बना हुआ है, आपका कुछ कहना है इसके लिए? ये बस स्टैंड बने हुए लगभग साल, एक साल हो चुका है। हाँ, आज तक कोई भी बस स्टैंड पे आके खड़ी नहीं होती है, अंदर नहीं रुकती है, मतलब अंदर आकर नहीं रुकती है, भी खड़ी नहीं होती, बस आती है, बैठ करके चले जाती है, सवारियों को भी यहाँ नहीं उतारती है, ले जाके रोडों में बंजर गंद, और यहाँ गंदगी का भी कुछ ध्यान नहीं दिया जाता, पूरा ऐसे ही गंदा पड़ा रहता है। और ये दुकानों का भी कुछ मरम्मत वगैरह बन नहीं रहा है, सब क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक, सबसे बड़ी समस्या है कि बस स्टैंड, बस स्टैंड के नाम पे चालू है, इसके बाद भी बस वाले बस नहीं रुकती है, जिससे रोडों पे खतरा बने रहता है, कहीं भी सवारियों को उतार देते हैं। और बाकी जो बाहर सवारी आती है वो भटकते रहते हैं, बस आती कहाँ जानती कहाँ, उनको पता ही। ठीक, बहुत बड़ी समस्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये बातें बताने के लिए। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।